हेलो, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज़ नोन एज गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन चलेगा वो होगा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन वी हैव टू नो अबाउट द मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, एंडोशियम जो है मेल गैमेटोफाइट, उसका जो मैंने पूरा फुल एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर्स में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, उसके लिए आपको गैमेटोफाइट की स्टडी करना या गैमेटोफाइट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैं आज के वीडियो में डिलीवर करूँगी उसका थोड़ा बहुत जो भी शॉर्ट है या प्रीव्यू है वो मैं साइड में देते जा रही हूँ, सो दैट आपको पता चले कि आज का जो वीडियो है कितना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए एंड नॉलेजेबल भी होगा। ठीक है, प्रीव्यू में आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मेन हम आज जो है गायनोशियम को कवर करेंगे। गायनोशियम में हम पिस्टिल के बारे में स्टडी करेंगे। पिस्टिल जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, पिस्टिल एंड स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद हम इसका मेन जो सेक्शन है ओवरी के अंदर ओव्यूल में जाएंगे। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आज आप सीखो, किस तरीके से हम इजी वे में उसका नॉमनक्लेचर याद रख सकते हैं एंड किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसकी नेमिंग आप कभी नहीं भूलोगे। एंड ओव्यूल के अंदर फिर किस तरीके से मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरीके से होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, व्हाई वी कॉल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आज के वीडियो में कवर होगा। और जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं विद द थ्योरी एंड विद डायग्राम, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। फीमेल गैमेटोफाइट, इसे हम बोलते हैं गायनोशियम, जो आज हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ पिस्टिल, पिस्टिल क्या होता है, अगर मैंने एक फीमेल गैमेटोफाइट को ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑल ओवर स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट पिस्टिल। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस वन इज ओवरी, और इसी के अंदर होता है ओव्यूल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी को मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है, जहाँ पे मेगा स्पोर बनता है। इसे हम आगे के सेक्शन में अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये और एक एम्ब्रियोसैक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का, कि क्या क्या होता है इसमें। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट में तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी इज़ व्हाट, ओवरी इज़ अ होलो बेसल स्वेलन पार्ट विच कंसिस्ट ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल होता है। इसी ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। एंड इसी में क्या होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स विच जनरेट मेगा स्पोर्स, जो मेगा स्पोर्स क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ओवरी के बाद एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल इज़ इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्टॉक, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, स्टिग्मा को ओवरी से सिर्फ कनेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा एक ऐसा टर्मिनल पार्ट होता है टिप पे, किसके, गायनोशियम के टिप पे एक ऐसा टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट लॉजेस द पॉलन ग्रेन, व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल ओवर द गायनोशियम, तो क्या होता है, वो स्टिग्मा पे लॉज करेगा, फिर इस रास्ते से वो ओव्यूल की तरफ जाएगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से विद पिक्चर के साथ उसे स्टडी करेंगे। तो अब हमने एक ओवरव्यू ले लिया फीमेल गैमेटोफाइट का, नाउ वी विल मूव ऑन द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज़ अ मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि जो गायनोशियम होता है, गायनोशियम जो है इट कैन बी सिनकार्पस, ये सिनकार्पस भी हो सकता है,
एंड एपोकार्पस भी हो सकता है। कार्पस क्या होता है, इसमें होता है कि मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल जब उस फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड दे आर फ्यूज्ड, और क्या होंगे, ये फ्यूज्ड होंगे, तो हम इसको बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, जितने भी आप सोलानम के फ्लावर्स देखोगे, ठीक है, उन सब के अंदर आपको गाइनोशियम जो होगा वो सिनकार्पस मिलेगा, उसके सारे पिस्टिल आपको फ्यूज्ड मिलेंगे, ठीक है। एंड एपोकार्पस में क्या होता है, इसमें भी मोर देन वन पिस्टिल होते हैं, ठीक है, मोर देन वन पिस्टिल एग्जिस्ट बट दे आर फ्री, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। आपके सामने सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोज़ का, ठीक है, रोज़ का भी दिखें तो उसमें स्टडी करना कि जो उसका बीच का फीमेल पार्ट होता है उसके सारे के सारे पिस्टिल फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। तो मेन आपका ये जो गाइनोशियम है वो यहीं तक, गाइनोशियम में जो एक ओवरव्यू होता है इस पूरे गाइनोशियम का, इसके मैंने अभी पार्ट्स आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर जाएंगे, दैट इज़ अ ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका डेवलपमेंट देखेंगे, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होता है, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों होता है ओव्यूल में, ये सारा हम अभी आगे के सेक्शन में कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। ओव्यूल का जो मेन स्ट्रक्चर है वो हम कैसा पढ़ेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल हम क्यों कहते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ओव्यूल, होता क्या है। ओव्यूल इज़ एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ये एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके बाहर लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। वेयर मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, मेगास्पोरेंजियम में। एंड फाइनली दिस मेगास्पोर डेवलप इनटू सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही मेगास्पोर जो हम फ्रूट का सीड देखते हैं उस सीड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से टिपिकल ओव्यूल के मेन तीन पार्ट होते हैं, कि स्टॉक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फनिकल, फिर आते हैं इनके इंटेगुमेंट्स आते हैं, इंटेगुमेंट्स भी दो होते हैं, एक होता है आउटर और एक होता है इनर, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। और एक थर्ड जो इसका पार्ट है, मेन पार्ट, दैट इज़ द न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शन इसका क्या होता है। तो चलते हैं ओव्यूल का पहले हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको उसका नॉमनक्लेचर करना है, वो हम इसमें पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके पार्ट्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करना सीखते हैं कि आपको ओव्यूल जो है वो ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐसे करके पहले आउटर इंटेगुमेंट बना दो, आपने आउटर इंटेगुमेंट बना दिया, ठीक है, ये आउटर इंटेगुमेंट बन गया। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे इनर इंटेगुमेंट बना दो, इनर इंटेगुमेंट बनाने के बाद इस टिप को आप ऐसे जॉइन कर देना, ठीक है। जॉइन जब ये हो जाएगा तो अब आप इसकी नेमिंग कर दोगे, कैसे, ये वाला जो है सबसे स्टॉक जो है इसे हम फनिकल बोलते हैं, और जहाँ से ओव्यूल शुरू होता है एंड फनिकल ख़त्म होता है उस जंक्शन को हम हीलम बोलते हैं, उस जंक्शन को हीलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इंटेगुमेंट्स आते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड दिस वन इज इनर इंटेगुमेंट, और इस के अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये जो होता है ये एम्ब्रियो सैक होता है, एंड एम्ब्रियो सैक जिस टिश्यू या जिस लेयर के अंदर होता है उसी लेयर को हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। अब आपको दो पॉइंट्स दिखाने हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, यहीं से क्या होता है पॉलन ट्यूब एंटर होता है, एंड जस्ट अपोजिट इसके जो एंड होता है इसे हम बोलते हैं चलाजल एंड, ये चलाजल एंड होता है ओव्यूल का। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना आपने सीखा कि ओव्यूल जो है मुझे ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, फिर उसकी नेमिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप नेमिंग करोगे तो नहीं भूलोगे कि
कोई भी एक पार्ट नहीं भूलोगे इसमें नेमिंग का, ठीक है। तो फनिकल क्या होता है, फनिकल इज़ ए स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का मेन स्टॉक जो होता है उसको हम फनिकल बोलते हैं, ठीक है। एंड हीलम क्या है, हीलम एक ऐसा जंक्शन है, ठीक है, वेयर ओव्यूल एंड फनिकल मीट, यानी फनिकल एंड ओव्यूल दोनों यहाँ पे इस जंक्शन पे मिलते हैं, उस जंक्शन को हम हीलम कहते हैं। हीलम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ऐसा स्कार होता है, ठीक है। हीलम इज़ ए स्कार दैट मेक्स द पॉइंट वेयर द सीड वॉज अटैच टू फ्रूट बॉल बाय द फनिकल, ठीक है। तो हीलम एक ऐसा स्कार होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फ्रूट का सीड जो है ना वो अटैच होता है, तो ये आपका हीलम जो है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका मेन टॉपिक, इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड न्यूसाइलस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेगुमेंट क्या होता है, इंटेगुमेंट इज़ अ टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एट अ टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग परसिस्ट, कहाँ पर, ये देखो ये टफ आउटर लेयर है ओव्यूल के बाहर जिसे हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये लेयर एक जगह पे नहीं होगा, दैट इज़ एट द टिप ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल, उस टिप को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। न्यूसाइलस क्या होता है, न्यूसाइलस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, इट हाउसेज द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक को क्या करता है, कवर करता है, एम्ब्रियो सैक को हाउस प्रोवाइड करता है, एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू भी होता है जो एम्ब्रियो सैक को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर हमने माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट एक एंड होता है जिसे हम बोलते हैं चलाजा एंड। चलाजा एंड इज़ व्हाट, इट इज़ अ बेसल ओव्यूल जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट जो पोल दिख रहा है उसी को हम चलाजा एंड बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रही थी कि हम एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल में देखो क्या होता है, शुरुआत में जो ओव्यूल होता है वो ऐसा होता है, चलाजल एंड आपको ऊपर दिख रहा है, माइक्रोपाइलर एंड आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो माइक्रोपाइलर है अपने आपको ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ लेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ लेगा एंड इट विल कम नियर टू द हीलम। पहले ये माइक्रोपाइलर ना ऐसे नीचे था, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट होते होते क्या हुआ, इसने अपने आप को इस तरीके से मोड़ लिया कि माइक्रोपाइल एंड जो है ना वो हीलम के पास चला गया, ठीक है। और इसलिए इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम एनाट्रोपस ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। अभी हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ओव्यूल जो है वो किस तरीके से मेगास्पोर बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, जिसे हम MMC बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको MMC दिख रहा है, ठीक है। तो MMC जो होता है वो मेगा स्पोर बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट अक्कर इन साइड द न्यूसाइलस। ये जो प्रोसेस होता है, अभी आपने एनाट्रोपस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो देखा था उसमें हमने न्यूसाइलस के बारे में पढ़ा था, यानी ये प्रोसेस जो होता है वो न्यूसाइलस के अंदर होता है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट एट वेरी अर्ली व्हेन द न्यूसाइलस इज नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द इंटेगुमेंट। मैंने आपको इंटेगुमेंट पढ़ाया कि उसमें आउटर कवरिंग होता है, इनर इंटेगुमेंट भी होता है, तो इवन जब वो बनते नहीं है ना तब भी ये प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। कौन सा प्रोसेस, मेगा स्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो MMC है ना, मेगा स्पोर मदर सेल, ये क्या करता है, इट एनलार्ज इन साइज एंड डिवाइड बाय द मियोसिस प्रोसेस। डिवाइड होने के बाद ये दो मेगा स्पोर बनाता है जिसे हम मेगा स्पोर डायड बोलते हैं, ठीक है। फिर से इसमें मियोसिस होता है, फिर ये मेगा स्पोर टेट्राड्स बनाता है, यानी चार ऐसे करके मेगा स्पोर बनाता है, और इन चारों में से जो तीन होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, यानी आगे इनका कोई प्रोसेस नहीं रहता, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ओनली जो लास्ट एक मेगा स्पोर बचता है, ये जो होता है ये फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से डेवलपमेंट ऑफ किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसे हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं। क्यों मोनोस्पोरिक बोलते हैं, बिकॉज आउट ऑफ दीज फोर सून थ्री मेगा स्पोर डीजनरेट एंड ओनली वन मेगा स्पोर बिकम फंक्शनल। तो इस वजह से दैट इज़ वाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज़
मोनोस्पोरिक, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक, तो रीज़न यही है कि ये जो चार मेगा स्पोर टेट्राड बनता है उनमें से तीन जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, ओनली वन इज फंक्शनल। यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है ये आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। इसे हम पढ़ेंगे भी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाता है, फिर फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है, फिर एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है, फिर किस तरीके से तीन एक जगह हो जाते हैं, तीन एक जगह हो जाते हैं, और फिर दो जो होते हैं वो नीचे पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। इनमें से दो तो सिनर्जिड्स बन जाते हैं, एक एक्सल बनता है, एंड ये तीन जो होते हैं एंटीपोडाल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसे हम अभी डेवलपमेंट सेक्शन में इस चीज़ को अभी पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक आता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एक वो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था ना, वो किस तरीके से एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इन जनरल जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है इट इज़ मोनोस्पोरिक। व्हाई इट इज़ मोनोस्पोरिक? बिकॉज थ्री आउट ऑफ द फोर मेगास्पोर, ठीक है, ये जो तीन मेगास्पोर होते हैं चार में से, दे विल डीजनरेट एंड ओनली वन फंक्शनल, ठीक है। एंड वो जो फंक्शनल है वो कहाँ पे होगा? इट इज़ एट चलाजल एंड, ठीक है। चलाजल एंड में क्या होगा, वो जो एक मेगास्पोर बचा होगा वो फंक्शनल होगा। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर दिख रहा है ये जो होगा ये चलाजल एंड में सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में मैंने यही बताया, जो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ उसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बता रहा है कि जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो जो है वो चलाजल एंड में सिचुएटेड होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर है ना, उसका न्यूक्लियस इट अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते हैं, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये वन न्यूक्लियस, एंड दे मूव टू द अपोजिट पोल्स, और ये दोनों अपोजिट पोल में चले जाएंगे, एंड फाइनली दे मेक अ टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। फिर से इसका क्या होगा, ये जो टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है वो भी क्या होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन उसके अंदर होगा, एंड इट विल गिव राइज टू फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, वो भी दोनों अपोजिट पोल में रहेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा विच गिव राइज टू एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जिनमें से चार एक पोल में होगा और दूसरे चार न्यूक्लियस वो एक पोल में होंगे, ठीक है। एक को हम चलाजल एंड बोलेंगे, एक को हम माइक्रोपोलर एंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये तो हो गया चलाजल एंड हो गया, एंड ये वाला माइक्रोपोलर एंड हो गया, ठीक है। आगे अब इसके और प्रोसेस है किस तरीके से ये जो है चलाजल एंड अपना एक न्यूक्लियस सेंटर में भेज देगा, और माइक्रोपोलर एंड भी अपना एक न्यूक्लियस सेंटर में भेज के इस तरीके से दो न्यूक्लियस जो हैं, दो न्यूक्लियाई बीच में आ जाएंगे, जो फाइनली क्या बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। अब जब चारों जो न्यूक्लियस अपने आप को अलग अलग पोल्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उनमें से जो एक होता है आउट ऑफ फोर न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपोलर पोल थ्री डिफरेंशिएट इटसेल्फ एज एन एग एपरेटस, यानी कि जो माइक्रोपोलर पोल में तीन जो होते हैं वो अपने आप को एग एपरेटस बना लेते हैं, यानी इन तीन न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, दे विल फॉर्म एग एपरेटस। एंड एग एपरेटस में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तीन न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से दो जो हैं वो सिनर्जिट का काम करेंगे, ये दो सिनर्जिट हैं, और एक जो है वो फीमेल गैमेट यानी एग सेल का काम करेगा, ठीक है। तीन तो ये रहे, उसमें यहाँ से एक जो मेगा एक जो न्यूक्लियस था वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से चलाजल एंड का, ठीक है, दिस इज़ द चलाजल एंड, दिस इज़ माइक्रोपोलर एंड, ठीक है। तो चलाजल एंड में भी क्या होगा, चार जो न्यूक्लियस थे उनमें से एक न्यूक्लियस कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया, एंड ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पोलर न्यूक्लियाई बना देंगे, ठीक है। एंड इस रीजन को हम सेंट्रल सेल कहेंगे, एंड लास्ट के जो तीन न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ मिलके, ठीक है, एक सेल वॉल बना लेते हैं। अभी हम एक डायग्रामेटिक एम्ब्रियो सैक भी ड्रॉ करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है कंप्लीट, उसमें ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है, चलाजल एंड ऊपर होगा एंड माइक्रोपोलर एंड उसमें नीचे होगा। तो ये जो तीन जो न्यूक्लियाई बन रहे हैं ये अपने चारों तरफ एक सेल वॉल क्रिएट कर लेते हैं, एंड कलेक्टिवली इनको हम एंटीबॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी समझाया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, कि फिफ्थ पॉइंट हमको ये एक्सप्लेन करता है फोर्थ पॉइंट के बाद कि आउट ऑफ फोर न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपोलर
होल थ्री डिफरेंशिएटेड टू प्रोड्यूस एन एग एपरेटस, उसमें से तीन जो है वो अपने आप को एक एग एपरेटस की तरह बना लेते हैं। उस एग एपरेटस में दो तो सिनर्जिट्स होते हैं और एक जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है जिसे हम एक्स सेल बोलते हैं, ठीक है। उसमें से फिर जो एक बचता है, चार में से जो एक बचता है वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। यानी एक जो है यहाँ से सेंटर में आ गया, ठीक है, और एक यहाँ से सेंटर में चला जाता है। सिमिलरली एट द चलाजल एंड थ्री आउट ऑफ फोर न्यूक्लियर ग्रुप टुगेदर, तीन तो अब एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, उनका अपना एक साइटोप्लाज्म भी होता है एंड दे हैव सेलुलर वॉल ऑल्सो एंड दे मेक एंटीपोडाल सेल, इसको एंटीपोडाल सेल कहते हैं, ये एंटीपोडाल सेल बना लेते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग फोर्थ न्यूक्लियर मूव टू द सेंटर एंड जो फोर्थ न्यूक्लियर होता है वो कहाँ चला जाता है, सेंटर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हैंस वन न्यूक्लियर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड एंड वन फ्रॉम द चलाजल एंड मूव टू द सेंटर एंड मेक द पोलर न्यूक्लियर, क्या बना देता है, ये पोलर न्यूक्लियर बना देता है। एंड दिस रीजन यानी ये वाला जो सेंट्रल रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इस तरीके से एक एम्ब्रियो सेल का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें कितने सेल होते हैं, उसमें सेवन तो सेल होते हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लियस कितने होते हैं, आठ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा कि ड्रॉ द मेच्योर सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सेल, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस, ठीक है। एक डायग्रामेटिक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है वो भी आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसमें माइक्रोपाइलर एंड आपका नीचे आएगा एंड जो चलाजल एंड है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। उसको मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये जो था ये सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अगर इसका डायग्रामेटिक मेच्योर एम्ब्रियो सेल का अगर डायग्राम आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ दिस, ठीक है। इसमें आपको इमेज को इन्वर्ट कर देना पड़ेगा। यहाँ देखो चलाजल एंड था ना, तो इसमें चलाजल एंड ऊपर हो जाएगा एंड यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ जाएगा। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि जब हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक समझाएंगे ना तो हमें माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस इसी का हमने थोड़ा सा चेंज करके एक डायग्राम बनाया है। ये तीन सेल जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एंटीपोडल्स, वो यहाँ पे हैं चलाजल एंड पे, ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। एक्सेल आपका यहाँ रहा सिनर्जिट के साथ, ये दो जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सिनर्जिट्स हैं, इनके साथ एग सेल है और एग सेल और सिनर्जिट मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं। और एक नया स्ट्रक्चर ये आया है, दिस इज़ कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब ताकि अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सके। पॉलन ट्यूब जब आता है ना तो वो इसी रास्ते से क्या करता है, अंदर एंटर करता है एंड मेल गैमेट को क्या करता है, एक मेल गैमेट इससे फर्टिलाइज हो जाता है और एक मेल गैमेट फिर इन दोनों पोलर न्यूक्लियर से फर्टिलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट का जो टॉपिक है वो अच्छे से फिनिश हो गया है। मैंने सारे डायग्राम्स भी ड्रॉ करे हैं, आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। स्टेजेस जो बताए हैं डेवलपमेंट के, यू हैव टू डू ऑल दिस, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होता है भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है भाई, मियोसिस होता है, ठीक है। तो ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। एंड जब डेवलपमेंट होगा किसका, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग एपरेटस कौन कौन बनाता है, सिनर्जिट प्लस एक्सेल मिलके एग एपरेटस बनाते हैं, ठीक है। एंटीपोडाल्स कहाँ पे होते हैं, चलाजल एंड में होते हैं या माइक्रोपाइलर एंड में होते हैं। तो जब आप इन डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे।